हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक साइकिल, सीआई इंजन और डीजल इंजन। फ्रेंड्स, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द डीजल इंजन। फ्रेंड्स, क्या होता है टू स्ट्रोक डीजल इंजन में? दिस इज द सिलेंडर पार्ट, दिस इज द फ्यूल इंजेक्टर। हम डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं। यह एग्जॉस्ट पोर्ट होता है या इनलेट पोर्ट होता है। दिस इज द केसिंग पार्ट, यह पिस्टन होता है, पिस्टन क्राउन हो जाएगा। दिस इज द पिस्टन रिंग हो जाएगा, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड दिस इज द क्रैंकशाफ्ट। फ्रेंड्स, ये होता है ट्रांसफर पोर्ट। ओके फ्रेंड्स, पिस्टन जो है वह टॉप डेड सेंटर TDC एंड बॉटम डेड सेंटर के बीच में मूव करता है। नाउ फ्रेंड्स, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, यह कैसे वर्क करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, इनिशियली क्या होगा कि जब पिस्टन हमारा BDC टू TDC को मूव करेगा तो इसे हम फर्स्ट स्ट्रोक कहते हैं, एंड जब पिस्टन TDC टू BDC को मूव करता है तो इसे सेकेंड स्ट्रोक कहते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्ट्रोक में सक्शन एंड कंप्रेशन होगा। सेकेंड स्ट्रोक में क्या होता है फ्रेंड्स, पावर और एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट होता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स क्या होता है, इनिशियली जब पिस्टन BDC पर होता है तो इसमें क्या होता है, हम जानते हैं फ्रेंड्स डीजल इंजन में केवल और ओनली एयर जो है वह सिलेंडर में जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो है पार्शली कंप्रेस्ड एयर इनसाइड ए केसिंग प्रेजेंट होता है। यह जो है इनलेट पोर्ट से ऑलरेडी इनसाइड में आकर के स्टोर होता है। यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, जब पिस्टन BDC पे होगा तो जो यह एयर है वह ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए इनसाइड द सिलेंडर आ जाता है। नाउ सक्शन ऑलरेडी हो गया है, जब यह कंप्रेस्ड होगा, सॉरी जब पिस्टन BDC टू TDC को मूव करेगा तो यह जो एयर है, एयर प्रेजेंट है, यह कंप्रेस्ड होगा जिससे इसके प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज करेगा। गेटिंग फ्रेंड्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज करेगा ड्यू टू कंप्रेशन। एंड क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर इतना सफिशियंट हो जाता है कि जब फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब स्प्रे होता है तो इंस्टेंट और सडन बर्न हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, पिस्टन हमारा TDC पे पहुँचने वाला है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एयर ऑलरेडी कंप्रेस्ड कंडीशन में है एंड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जनरेटेड है। यहाँ से क्या हो जाएगा, जब फ्यूल इंजेक्ट होगा तो इंस्टेंट कंबसन स्टार्ट हो जाएगा। जब कंबसन हो जाएगा फ्रेंड्स तो और भी ज़्यादा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेवलप होगा जो पिस्टन के टॉप पर एक्ट करेगा। ड्यू टू दिस हाई प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स जनरेट होगा और पिस्टन को TDC टू BDC की ओर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, मूव करने से क्या होगा, हमारा जो है एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब यह पिस्टन इसके नीचे आ जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट अनकवर हो जाएगा, या एग्जॉस्ट पोर्ट, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एग्जॉस्ट पोर्ट अनकवर हो गया है, नीचे आ गया है, तो क्या हो जाएगा, जो भी बर्न्ड गैसेस होंगी वह एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर चली जाएंगी। साइमल्टेनियसली यह भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रांसफर पोर्ट जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ से जो भी एयर हो, कंप्रेस्ड एयर होगा, वह इनसाइड द सिलेंडर आ जाता है। ओके, वन मोर थिंग, जब पिस्टन हमारा TDC पर होता है तो कंप्रेस्ड एयर जो है इनलेट पोर्ट से होते हुए केसिंग में आकर के स्टोर हो जाता है। ओके, और जैसे ही पिस्टन हमारा इसके नीचे आता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है, एग्जॉस्ट बर्न गैसेस जाने लगती हैं और कंप्रेस्ड एयर से, यहाँ से पार्शली कंप्रेस्ड एयर इनसाइड द सिलेंडर को जाने लगता है। गेटिंग फ्रेंड्स, सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन। लेट्स अंडरस्टैंड बाय थ्योरी। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स,
सी हियर, फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रोक में वी नो डैट सक्शन एंड कंप्रेशन होता है। तो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, जब पिस्टन हमारा बीडीसी टू टीडीसी को मूव करेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब फर्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी को मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, सो पिस्टन फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा फ्रेंड्स, पिस्टन बीडीसी टीडीसी को मूव करेगा, बट जब पिस्टन जो है हमारा बीडीसी पे होता है तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड पार्शली कंप्रेस्ड एयर इनसाइड द सिलेंडर आ जाता है। ओके, ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए पार्शली कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर में आ जाता है, पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी को मूव करेगा और एयर जो है एयर कंप्रेस्ड होगा। एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन या कंप्रेशन के अंत में क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड एयर जो है का प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिससे जब फ्यूल इंजेक्ट होता है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंस्टेंट कंबसन स्टार्ट हो जाता है और उससे क्या हो जाएगा, पिस्टन जो है कंबसन स्टार्ट होगा तो और भी ज़्यादा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेवलप होगा, जिससे पिस्टन पे क्या हो जाएगा, पिस्टन जो है पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पिस्टन हमारा टीडीसी पे होता है तो क्या हो जाएगा, पार्शली कंप्रेस्ड एयर जो है इनलेट पोर्ट से हमारा क्या जाता है, इनलेट पोर्ट से जो है हमारा अंदर जाता है जब टीडीसी हमारा टॉप डेड सेंटर पर होता है। ओके, सेकेंड स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेज में दिस इज द सेकेंड स्टेज, सो सेकेंड स्टेज में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेज में एक्सपेंशन ऑफ पावर एंड एग्जॉस्ट होता है। सो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, जब फ्यूल इंजेक्ट होता है और कंबशन स्टार्ट होता है तो सडन प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज करेगा, गैसेस एक्सपेंड होंगी, पिस्टन डाउनवर्ड टीडीसी टू बीडीसी को मूव करता है, जिससे क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट अनकवर हो जाएगा और बर्न गैसेस बाहर चले जाएंगी, ट्रांसफर पोर्ट भी अनकवर हो जाएगा और पार्शली कंप्रेस्ड एयर जो है सिलेंडर में आ जाएगा। गेटिंग फ्रेंड्स, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक डीजल इंजन। फ्रेंड्स, पीवी डायग्राम ऑफ दिस वन इज ऑल्सो लाइक दिस, 0 to 1 सक्शन होगा, 1 to 2 कंप्रेशन होगा, 2 to 3 इग्निशन होगा, जिससे क्या हो जाएगा, हीट एडिशन होगा, देन एक्सपेंशन होता है, देन एग्जॉस्ट होगा। क्लियर फ्रेंड्स, दिस इज द पीवी डायग्राम फॉर टू स्ट्रोक डीजल इंजन। सो फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, थैंक यू।